हत्या के प्रकरण में वंचित आरोपी मक्कू और पहलवान अवैध देसी कट्टा 315 12 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री श्याम सिंह आईपीएस के निर्देशानुसार वंचित आरोपियों की धरपकड़ एवं अवैध हथियार के विरुद्ध कार्रवाई चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21/9/2022 को थाना कैथवाड़ा द्वारा मुलजिम मक्कू उर्फ माकूल उर्फ पहलवान पुत्र सुमेरा जाति मेयो निवासी थाना कैथवाड़ा को अवैध कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम पुलिस थाना सीकरी से चोरी के प्रकरण में एवं पुलिस थाना जुरहरा से हत्या के प्रकरण में वंचित चल रहा था। आज मुखबिर सूचना मिली कि थाना सीकरी के चोरी के प्रकरण एवं थाना जुरहरा के हत्या के प्रकरण में वंचित मुलजिम मक्कू उर्फ माकूल उर्फ पहलवान पुत्र सुमेरा जाति मेव निवासी थाना कैथवाड़ा लोहेसर चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है, जिसके पास अवैध हथियार भी हो सकता है। इस सूचना पर पुलिस थाना कैथवाड़ा टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए लोहेसर चौराहा कैथवाड़ा पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस जीप व जाप्ता को देखकर भागने लगा, जिसे जाप्ता के द्वारा पकड़ा तो उसने अपना नाम मक्कू उर्फ माकूल उर्फ पहलवान बताया। उसे चेक किया गया तो उसके पास एक अवैध कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस मिला। प्रकरण संख्या 161/2022 धारा 3/25 आर्म एक्ट में दर्ज किया गया है। मुलजिम अव्वल दर्जे का पशु चोर है। मुलजिम के विरुद्ध पुलिस थाना जुरहरा में प्रकरण संख्या 119/2021 धारा 302 460 तहत दर्ज है, जिसमें मुलजिम ने अन्य मुलजिमों के साथ मिलकर दिनांक 20/3/2021 की रात्रि को गांव बामनी में जूरू पुत्र मंगल मेव के घर में घुस उसके दो बकरों को चुरा कर ले जाने लगे। तभी जूरू की पत्नी नूरनिशा उम्र 50 साल जाग गई। उसने बकरा चोरी का विरोध किया तो उसे मुलजिम उसकी हत्या कर फरार हो गए। मुलजिम करीब 18 माह से वक्त प्रकरण में फरार चल रहा है। मुलजिम के विरुद्ध थाना सीकरी में मुकदमा दर्ज है। वहीं कैथवाड़ा थाना प्रभारी का कहना है कि मुलजिम फरार चल रहा था। मुलजिम के द्वारा की गई वारदातों में संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है।